जवाब नहीं दे सके, अज भी दे देन, अज भी दे देन मेरे सामने बह गए भी जब दिल्ली के 1000 रुपया नहीं दे सके पंजाब किवें दे देंगे। ये लोगों को मूर्ख बना रहे ने। मैं इसे करके छड़िया भी जो 1000 रुपये की पर्ची का मैनू क्या कट के लिया, मैं कहा जी मैं नहीं कर सकता, ये झूठा वादा मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल 4-4 करोड़ रुपया लैके लोगों को टिकटा दतिया और सा मैं 15 साल बीजेपी च रहा, मैं घर वापसी की आ, मैं कोई गलत काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी का कोई कैंडीडेट ईमानदार नहीं गा। मैं ना जी तुम वेख ही लेना कि रौला पैन दिया इन्हों सार को पैसे लगे कि ईमानदारी कितने रह गई, ये तो पैसे इकट्ठे करके दिल्ली अपना घर भर रहे हैं। अज भारतीय जनता पार्टी के विच दो बहुत सीनियर लोग जिन्हों का अपने इलाके दे विच बड़ा अच्छा रिस्पैक्ट है, जनता च अपनी पैंठ है, वो भारतीय जनता पार्टी साढ़े शामिल हुए ने। एक गुरविंदर सिंह गोल्डी जी ये कौंसलर ने राजा सांसी च, और मुखविंदर सिंह जी ये कौंसलर भी सबका सरपंच ने, इन्ह दे मिसेज भी जिहड़े ने वो उत्थे कौंसलर रहे ने, और इन्ह दे सिस्टर उत्थे कौंसलर रहे ने, ते अज पार्टी च आए ने। मैं इन्हों का स्वागत करदा और पार्टी नूं एक नवा जिहड़ा है एक क्या कह सकते आपां एक बल मिलेगा पार्टी नूं। मैं इन्हां दा धन्नवाद भी करदा और स्वागत भी करदा। भारतीय जनता पार्टी पूरे इलैक्शन मोड़ च है, अज खुशी है कि डेली कोई ना कोई पार्टी दे विच सीनियर लोग समाज दे कदवर लोग पार्टी शामिल हो रहे ने। अज भी साडे सबका सरपंच एम सी इन्हां दी सिस्टर भी एम सी अमरखिंदर सिंह दी और गोल्डी जी ये पार्टी च ज्वाइन किए ने, और साडा परिवार बढ़ रहा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पॉलिसीज साडियां पॉजिटिव वे ना असीं काम करनियां नहीं। पंजाब अज सरकार बनाने लई असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, पहली बार अपनी सरकार बना दी, इस करके लोगों का जिहड़ा विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के विच है। मैं कल तो इत्थे कल्ले कल्ली कंस्टिट्यूएंसी दी मीटिंगां लै रहा और अज शाम तक अमृतसर शहर दीआं 5 कंस्टिट्यूएंसियां ने इन्हां दीआं मीटिंगां पूरीआं हो जाणगीआं। कार्यकर्ता पूरा जिहड़ा है जोश नाल इस इलैक्शन नूं लड़न लई तैयार है, और आस करदे हां कि कल तक साडीआं सीटां वी अनाउंस हो जाणगीआं, ते उस तों बाद इक होर नवां उत्साह जिहड़ा है वह कार्यकर्ता च आएगा। देखो हर पार्टी का एक अपना CM का चेहरा अनाउंस करना ना करना वो हर पार्टी का पैरोगेटिव है, लेकिन मैं समझता डेमोक्रेसी इलैक्टेड लोग हले भगवंत मान तो MLA बने नहीं, इलैक्टेड लोग जोड़े ने इलैक्टेड MLA वो अपना लीडर चुनते हैं, तो ठीक है उन्होंने अपना चेहरा अनाउंस किया और तुम उन्होंने बारे बड़ियाँ कहानियाँ बड़ियाँ स्टोरीज़ बड़ियाँ खबर ला चुके हो, तुम बैटर जानते हो कि उन्होंने किरदार की है, किमें काम करते हैं, की कहते हैं। मैं इस करके उत्ते ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना। ED रेड BJP की विंग नहीं है, वो ED एक सरकारी एजेंसी है, सरकार को पता लगा कि माफिया के इतने रेत माफिया के पैसे बड़े इकट्ठे कर रहे हैं वो लोग, और 10 करोड़ की रिकवरी कोई छोटी रिकवरी नहीं होती, एक रूटीन का ये रेड सी, और मैं समझदा कि सारा पैसा जिहड़ा सी इन्होंने इलैक्शन से लोगों से लाना सी, अज इस करके इन्हों तकलीफ हुई है कि वो पैसा इन्हों का पकड़ा गया।